असम में गश्त के दौरान शहीद हुए मथुरा के बेटे कालीचरण के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव लाया गया। यहां शहीद जवान के पार्थिव शरीर को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं कालीचरण के पार्थिव शरीर को फूलों और तिरंगे में लपेटकर नगरी में घुमाया गया, जिसके बाद नम आंखों के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी सहित सैकड़ों लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। कालीचरण देश के ऊपर शहीद हुआ है, मेरे पूरे क्षेत्र को, मेरे गांव को और समस्त ब्रज भूमि को इस पर गर्व है कि हमारा एक लाल देश के काम आया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ परिवार वालों को, क्योंकि बहन से एक भाई गया है, बच्चों से एक पिता गया है, पत्नी से एक पति गया है, भाई से एक भाई गया है, लेकिन इसके बावजूद ये मौत, ये ऐसी मौत है जो देश के ऊपर कुर्बान, देश के ऊपर शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि छाता के गांव चोमुहा का रहने वाला कालीचरण राज राइफल में तैनात था। यहां गश्त के दौरान आतंकियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग फटने से जवान शहीद हो गया। इसके साथ ही दो अन्य जवान भी इस हमले में शहीद हुए हैं। मथुरा से मदन सारस्वत, पंजाब केसरी टीवी।